इस सभा में मंच पर उपस्थित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरपाल यादव जी, उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे साथ लगातार यात्रा में साथी की तरह और मार्गदर्शक की तरह रहने वाले प्रदेश के अध्यक्ष सुंदरलाल लोधी जी, आज इस कार्यक्रम में अभी हमसे पहले जो संचालन कर रहे थे भाई अभिषेक सिंह आशु जी, मनवीर तेवतिया जी, उपस्थित आज जिनकी मेहनत से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर हो रहा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित जिला के अध्यक्ष नूर हसन जी, उपस्थित महानगर के अध्यक्ष भाई रिकाश जी, आदरणीय कासिम नाजमी जी, हाजी अलवर जी, हाजी इकबाल जी, उपस्थित सेवाराम कसाना जी, भाई एसपी यादव जी, राजेंद्र यादव जी, योगेंद्र यादव जी, प्रमोद भाई दासना से उपस्थित बहुत पुराने साथी हमारे माननीय शिवपाल सिंह जी के, और तमाम नेता, नितिन कोहली भी हैं जो लोहिया वाली के अध्यक्ष हैं, लोकेश भाटी हैं, दिनेश यादव हैं, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेता जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, और आए हुए सभी सम्मानित सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथी, सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि समय हमको निश्चित आने में लगा है, थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप सब यहां पर हमारा, हमारे नेताओं का स्वागत करने के लिए आप लोग यहां उपस्थित रहे, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप सभी को सलाम करता हूं। आज जो ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा है, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा 12 तारीख से शुरुआत हुई, इसकी शुभारंभ हुआ माननीय शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और किन्हीं कारणों की वजह से अस्मात एकदम से उनको कहीं जाना पड़ा है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन यकीनन आप लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे, आपके लिए एक अलग माहौल होता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां होते, लेकिन मेरी खुशकिस्मती होती है कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं हो पाते हैं वहां मुझे आप लोगों से मुखातिब होने का, अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। तो बहुत संक्षेप में समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, प्रयास करूंगा कि अपने नेता की पूर्व में किए गए जो कार्य, अपने राजनीतिक जीवन, 40 साल के राजनीतिक जीवन में जो ढाल की तरह हमारे नेताजी माने मुलायम सिंह जी के साथ एक ढाल की तरह बन के हमेशा उनके सामने खड़े रहने का काम जो उन्होंने किया है, और सिर्फ नेताजी जी नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज जो ये रथ यात्रा निकली है इसका नाम परिवर्तन रथ यात्रा क्यों, इसीलिए है क्योंकि परिवर्तन सत्ता का उत्तर प्रदेश में होना है, उसका संकल्प लेकर के रथ यात्रा ये निकली है जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगी, और जो लोगों का कहना होता है कि एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत विपक्ष की तलाश में इस समय लोग ढूंढ रहे हैं नेता को, और उसी आपके उद्देश्य को पूरा करने के माननीय शिवपाल सिंह जी ने ये यात्रा निकाली। जो स्थिति अभी आदरणीय वीरपाल सिंह जी पूर्व सांसद बता भी रहे थे कि क्या स्थिति हो गई, वो नौजवान जिसको वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, बदकिस्मती ये है कि उसी नौजवान ने जो 2 करोड़ नौकरी हर साल सोचता था उसको मिलेगी, उसने 16 करोड़ नौकरियां एक साल के अंदर खोई, एक साल के अंदर 16 करोड़ नौकरियां, वो भी सरकार ने निजी
कंपनियों में जो नौकरियों में काम करते थे उनकी नौकरी भी गई। यहां बैठे कई लोग होंगे जो इस समय जूझ रहे होंगे कोरोना काल के बाद से, जो मध्यम वर्ग के व्यवसाय करते थे उनका व्यवसाय भी चौपट होता जा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है, जब जब बजट आता है यही व्यापारी उस बजट की ओर बड़े उम्मीद से देखते हैं कि कोई ना कोई स्कीम किसी ना किसी तरीके का सहायता ये सरकार करने आएगी, और कोई भी सहायता नहीं होती। जो सहायता होती है वो चुनिंदा 3 या 4 वो उद्योगपति जिनको मैं समझता हूं इसकी जरूरत भी नहीं होती, उनको टैक्स में माफी की जाती है। 10-10% उनके लिए टैक्स में माफी की जाती है। वो व्यापारी जो दिन भर कमाता है रात को जाके अपने परिवार में खर्च करता है उसके लिए कोई भी सरकार ने योजना नहीं बनाई। हमने आपने कभी सोचा था कि हमारे आपके रहते ऑक्सीजन की कमी से कोई दुनिया में मरेगा? कभी सोचा था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने दाएं अपने बाएं देखिए, जो आपके साथ भी बैठे हैं उन्होंने भी अपने किसी परिवारजन को खोया है, किसी दोस्त को खोया है, किसी पड़ोसी को खोया है, किसी भाई को, किसी मोहल्ले वाले को खोया है। और इस सरकार ने तब भी संसद के अंदर खड़े होकर ये बात कह दी कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, जहां लोगों ने लाख लाख रुपए के हजारों रुपए के सिलेंडर खरीदे। इस तरीके की कालाबाजारी, जो दवाइयां थी आप सबको याद होगा रेमडेसिविर एक इंजेक्शन था जिसकी जरूरत पड़ती थी, कितने कितने का इंजेक्शन बिका हुआ। तो ये पूरी तरीके से सरकार विफल रही, चिकित्सा के क्षेत्र में विफल रही, व्यापारियों को उसने कोई सहायता नहीं करी, और साफ साफ दिखता है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए लगातार ये काम कर रही है। कैसे? कि वो सारे व्यवसाय जो सरकार को सीधा फायदा पैसा देते थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो प्लेन हो, वो सब प्राइवेट कर दिया गया, वो सब उनको बेच दिया गया। और आज भी कोई इस पे आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाते हैं, मीडिया दिखाती है, हमारे सोशल मीडिया पे अगर खबर चलती है तो क्या चलती है कि एक समाज के व्यक्ति विशेष उसके बच्चे को ड्रग्स के केस में बंद कर दिया गया, जिसमें साबित भी नहीं हुआ, उसमें बंद कर दिया गया, और लगातार 10-15 दिन तक वो खबर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों चल रही है? क्योंकि उद्देश्य उस खबर को दिखाना नहीं, उद्देश्य है जो खबर है कि गुजरात के एक कोर्ट पे फिर से वही 2-3 उद्योगपति में से एक उद्योगपति जिसका वो कोर्ट है वहां पे 2,500 करोड़ का ड्रग्स वहां पकड़ा जाता है, उसकी कोई खबर नहीं दिखाई जाती, कोई संसद में उसकी बात नहीं करता। बात होगी तो एक समाज को टारगेट करने के लिए उसके बारे में लोगों में गलत अफवाहें फैले इसके लिए यह खबर दिखाई जाती। मैं कह सकता हूं कि यह संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का, और आज वो संविधान जो बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हमसे हमारी आवाज छीनी जा रही है, आने वाले समय में हमसे हमारा घर छीन लिया जाएगा। ये समझ लीजिए आज आप अपनी जेब में जो मोबाइल रखे हो वो किस कंपनी का मोबाइल है? जियो का। जिसका आप इंटरनेट यूज करते हो वो किसका है? जियो का। जितने न्यूज चैनल आप देख रहे हो उसमें से अधिकतम न्यूज चैनल किस कंपनी के पास है? जियो के पास। तो चारों तरफ से आपको हमको घेर कर जो उनका एजेंडा है उसको चलाकर हमें आपको भ्रमित करके पूरी तरीके से इस देश की जो खूबसूरती थी कि हर समाज का आदमी को इसी संविधान ने अधिकार दिया अपने भारत देश के अंदर रहने का, उससे वो अधिकार छीना जाए। तो आपको हमें सचेत रहना होगा। मैं क्यों कहता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आप ये भी समझिए कि ये लोग, मुझे कोई कुरेज नहीं कहने में, ये लोग बहुत बड़े नौटंकी हैं। ये लोग इस स्तर के हैं कि अगर कोई श्रेय लेने की बात आती है तो काम हुआ हो ना हुआ हो श्रेय उसका पहले लिया जाता है, लेकिन अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेनी हो तो जिम्मेदारी इनसे ली नहीं जाती।
ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और सरकार का सीएम में क्या काम होता है आप देख रहे हो, अभी चुनाव आने वाला है कुछ समय में, उत्तर प्रदेश के सब किसानों के और सब गरीबों के पास दो हजार करके पैसा अकाउंटों में दिया जाएगा, मुफ्त में राशन पहले से बट रहा है। और ये मुफ्त में राशन भी क्यों बट रहा है, इसके पीछे भी एक राज है देखिए इनका, क्योंकि मैंने कहा ना ये लोग बहुत तेज है। जो राशन मुफ्त में बट रहा है वो राशन भी अगर भंडारण करती इसका सरकार, तो उस भंडारण के लिए भी हर मिट्टी हर टन के हिसाब से 7 रुपया इनको पैसा देना पड़ता, तो वो पैसा भी ना देना पड़े, वो पैसा भी इनकी जेब में चला जाए, तो जो राशन हम लोग आवंटित कर रहे हैं उसको भी बांट बांट के खत्म कर। तो ये तरीका है। और सरकार का काम मुफ्तखोरी का नहीं होता, हमारे देश की आवाम को हमारे देश के लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगा रही है ये सरकार। मुझे कोई दुख नहीं है ये बात कहने में, सरकार का काम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था, क्या नारा दिया था, हम आत्मनिर्भर करेंगे इस भारत को। मुफ्त का राशन देके, मुफ्त में पैसे देके कौन आत्मनिर्भर बनाता है अपने भारत को, सोचिए कौन आत्मनिर्भर बनाता है अपने भारत को। तो ये मुफ्तखोरी की जो आदत है ये गलत है, देश कभी इनसे नहीं बनता है। देश बनता है तो मजबूत संविधान से बनता है, देश बनता है तो भाईचारे से बनता है। आज न्यूज चैनल कोई देखिए आप, किसी भी प्रदेश की खबर देख लीजिए, क्या दिखाया जाता है कि अफवाह के चक्कर में किसी ने किसी को मार डाला, पड़ोसी ने पड़ोसी को मार दिया, उसने जमीन उसकी कब्जा कर ली, ऐसी खबरें हो गई। इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि आज हमारी माताएं बहनें खुलकर बाहर भी नहीं घूम सकती। एक समाज को, एक लोगों को, एक व्यक्ति विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें खुशी है कि आज भी इस देश के अंदर ऐसे नेता, माननीय शिवपाल सिंह जी जैसे नेता हैं, जिन्होंने हर मंच से सभी समाज के लोगों का, हर वर्ग के लोगों का उन्होंने सहायता की है। उनके पीछे खड़े रहने का जो उन्होंने वादा किया उसको निभाने का जो उन्होंने काम किया है, हम उसको सलाम करते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ माननीय शिवपाल सिंह जी लगा सकते हैं, पूर्व में उन्होंने साबित किया है। अगर किसी DM SSP को फोन हो जाता था माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा, तो पूरा प्रशासन हिल जाता था उस जिले का कि किसी भी आदमी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नेतृत्व आज हमको चाहिए। इस समय तो नौकरशाही पूरा खुला लूट मचाए हुए, चाहे पुलिस हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, SSP हो, तहसीलदार हो, खुली लूट चल रही। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं, हम लोग को भी आगे जाना था, शुरुआत में हमने कहा कि ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन नेता की तो आदत होती है, एक बार बोलना शुरू होते तो रुकते नहीं, तो इसीलिए ज्यादा बात है अपनी अब नहीं कहूंगा। निश्चित है कि कारवा हमने शुरू किया है आप लोग के बीच आने का। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे नवनिर्वाचित भाई नूर हसन जी, जो रौनक आपने इस जिले के अंदर, जो रौनक आज हम लोग आए हैं, जो रौनक आज आपने लेके आए हैं, इस रौनक को ऐसे ही बनाए रहिएगा, इस कारवा को और बढ़ाने का आप लोग काम करें। आपकी जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं पार्टी की तरफ से आप सभी को भाई की तरफ से बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हमारा कुनबा है ये और आप बढ़ाने का काम करेंगे। आप सभी लोग एक बार पुनः यहाँ पर आए, आपने हम लोगों को वक्त दिया, इतने तसल्ली से, इतने इत्मीनान से बैठ के आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जब प्रदेश बना दिया जाएगा तो किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा, और वो योद्धा आपके बीच में माननीय शिवपाल सिंह यादव निकला है। आप लोग साथ दीजिए, शिवपाल यादव जिंदाबाद, शिवपाल यादव जिंदाबाद। हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि या तो इस प्रदेश में मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि सांप्रदायिकता और तुम्हारे बीच में मजबूत दीवार की तरह मुलायम सिंह खड़ा है, और या उसके बाद में सीना तान के शिवपाल सिंह खड़े हो रहे हैं, इसलिए आपको साथ देना पड़ेगा। और जब आप साथ दोगे तो इस प्रदेश की चाबी
नेतृत्व में जो रथ निकला है उसमें हम लोगों को जो काम दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं घूमें, बूथ स्तर तक हम लोग अपनी संगठन को मजबूत करें और चुनाव में किसके साथ कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो डिसाइड करें। अभी परिवर्तन यात्रा की बात की है कि सरकार में परिवर्तन चाहिए, वर्तमान सरकार का क्या कहेंगे चुनाव आगामी? सरकार ने तो कोई काम नहीं किया, कितने वादे किए थे सरकार ने खुद अपने घोषणा पत्र खड़े रहो, आज घोषणा पत्र उठा लीजिए और उसको देख लीजिए कितने काम उन्होंने किए हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में उन्हें शून्य मिलेगा, उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय एक काम के कि उन्होंने मंदिर अपना 2000 करोड़ की नौकरी की बात की आपने, आपकी सरकार में कितनी नौकरी मिलेगी? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जितने रिक्त पद हैं प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर सरकारी नौकरी तत्काल लोगों को उसमें दी जाए, क्योंकि कोरोना के बाद से स्थिति बहुत खराब है और अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो बीए करने के बाद हर उस बच्चे को बच्ची को जो अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए देंगे कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू।